अगर आप भी कुछ नई हैबिट बनाते हैं और उसे कैलेंडर में लिखते हैं या डायरी में लिखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार क्या होता है, हम नई हैबिट बनाते हैं या स्टार्ट करते हैं या हम टीवी में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं और सोचते हैं कल से मैं भी ये करूँगा या करूँगी, और उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन फिर वो नहीं हो पाता है या डायरी में ही लिखा रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, बहुत ही मतलब ऐसा तरीका है कि जो मैंने खुद पर ही फॉलो किया है उसको और मुझे उससे फायदा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी हैबिट हैं जो मैं डेली के लिए मैंने उससे लिख कर रखा है अच्छे से चार्ट पेपर में। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं रूम में आती हूँ और इनको पढ़ती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। और बस कई बार क्या होता है कि जब हम मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, लिख तो लिया था लेकिन मैं उसको पढ़ भी लेती थी और इग्नोर कर देती थी, हाँ ठीक है कल से कर लूंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने एक बार सोचा कि जैसे ही मैंने, अगर मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं भूल गई हूँ और मैंने जैसे ही इसको पढ़ा तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम उसको स्टार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट जो लाइन है उसमें यही लिखा है कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली रीडिंग करनी है और हेल्दी ईटिंग करनी है। तो अगर मैं इस कमरे में आई और मैंने देखा कि मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की है, तो जब मैंने इसको पढ़ा और अगर मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है और घर के ही डेली के काम है तो मैं वो थोड़ा साइड में कर देती हूँ और मोबाइल में 10 मिनट का वर्कआउट लगाती हूँ और 10 मिनट वर्कआउट कर लेती हूँ। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप 2 मिनट या 3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपको खुद से अच्छा लगने लगेगा और खुद से मन होगा कि मैं एक्सरसाइज करूँ, और जिस दिन मिस हो जाएगा तो आपको खुद से फील होगा कि आज कुछ मिस हो गया है। तो आप ये जरूर अपनाएं। और रीडिंग के लिए भी मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि जो मेरा स्टडी टेबल है उस पर बुक्स रखी रहती हैं और मुझे रीडिंग करना वैसे भी पसंद है। रीडिंग करने से ये फायदा होता है कि हम जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छे अच्छे जो लेखक हैं उनने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बुक लिखी हैं तो वो हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं। इसलिए अगर आपको रीडिंग करने का शौक नहीं है तो ये प्लीज़ रीडिंग की हैबिट डालिए। और जब मैं कमरे में आती हूँ और मैं देखती हूँ कि रीडिंग आज मैंने नहीं की है तो उसी टाइम मैं बुक उठाती हूँ और उसका एक पेज फिनिश कर देती हूँ। एक पेज पढ़ने के बाद उस पे साइड पे मतलब या तो आप कुछ रख सकते हैं, जैसे मैंने उस पे भी यही लिख के रखा है डेली हैबिट, जो भी मुझे अच्छे वर्क जो भी कुछ करना है अच्छा, एक चार्ट पेपर में रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने लिख कर रखा है, और जब मैं कोई बुक पढ़ती हूँ तो उसको पढ़ने के बाद जो मैं एक पेज जैसे मैंने पढ़ लिया तो उस पर इसको ऐसे लगा कर रख देती हूँ ऐसे, और इसको बंद कर देती हूँ। तो ये भी आप कर सकते हो इस तरह से। और फिर उसके बाद आपको रात को जब आप बैठोगे या सोने के पहले 5 मिनट का टाइम निकालें और आप देखें कि आपने जो 3 हैबिट या 1 हैबिट ही, पहले आप 1 हैबिट से स्टार्ट करें, आपने लिख लिख कर रखी है, उसका बोर्ड लगा कर रखा है, तो आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, तो प्लीज़ आप ऐसा करके देखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर मेरी ये टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और आप इस तरह की अगर एक जगह नहीं लगा कर, जैसे जहाँ भी आप लगा कर रखते हैं इस पेपर को, वो आपका मेन रूम होना चाहिए जहाँ पर आप ज़्यादा आते जाते हो या रिलैक्स करने के लिए जहाँ पर बैठते हो, आपको वहीं पर सामने लगाना है इस चार्ट पेपर को, ताकि आपको वो ऐसे टाइम पे दिखे जब आप आकर बैठे हो रिलैक्स कर रहे हो, तो आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप किचन से रिलेटेड कोई भी ऐसा कुछ सोचते हो कुछ अच्छा करने का तो आप किचन में लगा सकते हो। मैंने अपने किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं। मेरा एक और चैनल है मिताक्ष मोम एंड रेसिपी, उसमें जो किचन टूर है उसमें मैंने लास्ट में दिखाया है कि मैंने ऐसी कुछ हैबिट, और कुछ अच्छे विचार हैं जो आप लगा कर रख सकते हो। उसके चार्ट मार्केट में मिलते हैं या आप खुद से भी बना सकते हो। मैं तो खुद से ही बना लेती हूँ, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत शौक है, तो और मैं उसको लगाती हूँ, जब तक कि मैं उसे अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर लेती हूँ तब तक लगा कर रखती हूँ। मोटिवेशन के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ पर छोटे छोटे इमोजी या ऐसे ही बनाकर स्टिकर बनाकर लगा देती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा ऐसी टिप है कि अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुनने के बाद अगर इसे आप अप्लाई करेंगे तो पक्का परफेक्ट, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको आपके अंदर जरूर इम्प्रूवमेंट होगी। और आप फर्स्ट हैबिट से स्टार्ट करें, पहले एक ही हैबिट के लिए आप लिख कर रखें और उसे फॉलो करें। जैसे अगर आप एक्सरसाइज के हैबिट ही डालना चाहते हो तो वो सुबह से लेकर रात तक किसी भी टाइम, जब भी आपने आपको याद आया कि मुझे ये हैबिट फॉलो करनी है,
तो आप उसी टाइम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। रीडिंग के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग के लिए भी, हेल्दी ईटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।